सैयदना मुजद्दिद अल्फिसानी कुतुब रब्बानी शाहबाज ला मकानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने मकतूबा शरीफा में लिखा है, जानते हो सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? आप फरमाते हैं सबसे बड़ी दौलत हजूर की अदा को अदा करना, अपने आप को हजूर की सुन्नत के सांचे में ढाल लेना, वो अमल करना जो अल्लाह के रसूल ने किया है। जब कोई अपने आप को हजूर की सुन्नत के सांचे में ढाल लेता है, मतलब कोई भी काम करते हुए ये नीयत हो ये हजूर ने किया इसलिए मैं कर रहा हूं। अमामा शरीफ बांधना सुन्नत है, लेकिन अमामा शरीफ बांधे तो हुसन में भी इजाफा होता है, बंदा ज्यादा सोना लगता है। तो अब अमामा शरीफ किस नीयत से बांधना चाहिए कि मैं सोना लगूंगा? नहीं, इस नीयत से बांधे कि हजूर की सुन्नत है। जब कोई अमल आप इस नीयत से कर रहे हैं कि ये अमल हमारे आका करीम ने किया है, मैं हजूर की अदा को अदा कर रहा हूं, जब इस नीयत से अमल करेंगे तब उस अमल की ऐसी बरकत जाहिर होगी। इमाम रब्बानी फरमाते हैं सुन्नत की नीयत से जब अमल कर रहे हो, ये दौलत कायनात की सबसे बड़ी दौलत है कि तुम हजूर की सुन्नत के सांचे में ढल गए, तुमने अपने ऊपर रसूलुल्लाह का रंग चढ़ा लिया, रसूलुल्लाह की सुन्नत का रंग चढ़ा लिया, ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और ये रंग चढ़ाने का सफर कहां से शुरू हो रहा है? दुरूद पाक से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह।